KVS Delhi Live YouTube चैनल में आप सभी फैमिली मेंबर्स का बेहद स्वागत करती हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, केंद्रीय विद्यालय दाखिला शैक्षिक सत्र 2022-23 आपके लिए आसान बना दूंगी, तो उसी वादे को मैं निभाने जा रही हूं और आज आपके लिए लेकर आई हूं महत्वपूर्ण जानकारी। सभी माँ बाप जानना चाहते हैं, जानकारी ये है कि जब कक्षा पहली की ऑनलाइन फॉर्म भर दिए जाएंगे, लास्ट डेट निकल जाएगी, तो किस प्रकार से स्कूल ड्रॉ निकालेंगे। जी हाँ, जो ड्रॉ की प्रक्रिया होती है हर स्कूल खुद उसका संचालन करता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन उस पर पूरी नजर रखता है जो ऑनलाइन होता है। आप भी फेसबुक के माध्यम से या फिर यूट्यूब लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। आपको और केंद्रीय विद्यालय संगठन एक प्रॉपर कमेटी का फॉर्म करवाता है। स्कूल में प्रॉपर कमेटी बनने व कमेटी के अंदर ड्रॉ की प्रक्रिया चलाई जाती है, लेकिन ड्रॉ में सबसे पहले किस कैटेगरी का लॉटरी निकाली जाती है, कौन सी ऐसी कैटेगरी होती है जिसकी ड्रॉ निकाला जाता है, आखिरी में कौन सी कैटेगरी होती है जिसका ड्रॉ निकाला जाता है, सीक्वेंस क्या होती है, वह एक क्रम क्या होता है जिसके अनुसार बच्चों का नाम कैटेगरी वाइज निकाला जाता है, आज मैं आपको बताने जा रही हूं बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जी है, मैं आप सभी से अपील करना चाहती हूं, आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। लेकिन सबसे पहले जब ड्रॉ की प्रक्रिया का शुरुआत होता है, पंजीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, केंद्रीय विद्यालय में ड्रॉ प्रक्रिया का संचालन होता है, तो एक क्रम है जिससे फॉलो किया जाता है, जिसको ध्यान में रखा जाता है, वे क्रम है, वह सीक्वेंस है। सबसे पहले RTE राइट टू एजुकेशन कैटेगरी के तहत जिन बच्चों का नाम स्कूल में आया होता है, जिन्होंने फॉर्म भरे होते हैं, उनकी लॉटरी निकाली जाती है। सबसे पहले RTE कैटेगरी के बच्चों की, फिर और जो दूसरी कैटेगरी आती है वे आती है सभी दिव्यांग आवेदकों की लॉटरी, यानी कि वे बच्चे जो स्पेशल चिल्ड्रन है, जो हम कह सकते हैं कि हैंडीकैप है, उनकी लॉटरी निकाली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की लॉटरी निकाली जाती है, कैटेगरी वन होता है, यानी कि श्रेणी पहली दूसरी, और इसके बाद दूसरी श्रेणी की श्रेणी टू की कैटेगरी टू की निकाली जाती है। उसके बाद अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की लॉटरी निकाली जाती है। अगला होता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की लॉटरी निकाली जाती है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जा रही है, तो यह नॉन क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। क्रीमी लेयर मत सोचना, नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रही है। तो बहुत लोग ये सवाल मुझसे कहते हैं कि हम OBC क्रीमी लेयर के हैं, क्या हम इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। जी नहीं, OBC नॉन क्रीमी लेयर की अगला है, श्रेणी तीन कैटेगरी की लॉटरी निकाली जाती है, श्रेणी चार यानी कैटेगरी फोर की लॉटरी निकाली जाती है, श्रेणी पांच कैटेगरी फाइव की लॉटरी निकल जाती है, छह अगर लागू है तो, और आखिर में इकलौती कन्या संतान जिसे हम कहते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, उसकी लॉटरी निकाली जाती है। तो यह एक क्रम है जिसे फॉलो किया जाता है स्कूल के द्वारा, और जिसमें कोशिश की जाती है सभी कैटेगरीज को इंक्लूड किया जाए। और भी ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।